नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ने जो अपनी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी है उस बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज़। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, 5:23 पर ये न्यूज़ आई है और 5:29 पर दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है जब भी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आए सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं जी राजस्थान की ओर से ऑफिशियल दोस्तों ट्वीट किया गया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने प्रवेश परीक्षा को किया स्थगित। प्री एमएड, प्री बीएड, एमएड, प्री एमपीएड, प्री बीपीएड प्रवेश परीक्षा 2000 स्थगित। 21 स्थगित, 6 जून को आयोजित होने वाली थी प्रवेश परीक्षा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आगामी आदेशों तक दोस्तों परीक्षाओं को है वो स्थगित किया है। और क्यों स्थगित किया है वो भी आप साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया फैसला, परीक्षा की नई तिथि बाद में की जाएगी घोषित। यानी दोस्तों, जो कोरोना संक्रमण का प्रकोप है उसको देखते हुए परीक्षाओं को है वो स्थगित किया गया है। हालांकि कोरोना के केसेज है वो पिछले दिनों से है, वो पिछले कई दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन यह मानकर चलिए कि यदि हमने सावधानी थोड़ी भी कम कर दी तो फिर से वही होने वाला है जो दोस्तों फर्स्ट वेव के बाद में हुआ था। सेकेंड वेव में परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई थी कि काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, ऑक्सीजन नहीं थी, जो रोगी थे पेशेंट थे वो ऐसे ही मर रहे थे। और थर्ड वेव की दोस्तों उससे पहले ही है, वो वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा चुका है कि वो जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं उन पर वो थर्ड वेव है वो ज़्यादा घातक साबित होने वाली है, तो उसका भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और इसी को लेकर के दोस्तों जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया गया है। हालांकि यदि हम बात करें विश्वविद्यालय की अन्य परीक्षाओं की, यूजी की, पीजी की, बीएड की, तो उनके बारे में अभी तक दोस्तों कोई निर्णय नहीं हुआ है। कमेटी बनी हुई है, उनकी पहली मीटिंग है वो शनिवार को हो चुकी है। अब 10 जून से पहले पहले दोस्तों उनको है वो उच्च शिक्षा विभाग तक है वो अपनी रिपोर्ट देनी है कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। उसके बाद ही पूरा क्लियर हो पाएगा कि क्या राजस्थान में है वो परीक्षाएं करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, और करवाई जाएगी तो क्या सभी वर्षों के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी या केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी, या फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करेंगे और सेकंड ईयर और फाइनल के विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएगी। कई विद्यार्थी दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझसे यह प्रश्न भी पूछ रहे थे, जैसे कल महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने है वो परीक्षा फार्म स्टार्ट किए, तो क्या कि अब आप विद्यार्थी क्या प्रमोट नहीं होंगे क्योंकि परीक्षा फार्म भी है वो विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि दोस्तों मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रमोट होंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि प्रमोट करने का या परीक्षाएं करवाने का और परीक्षा फॉर्म का कोई संबंध नहीं है। चाहे प्रमोट करें चाहे आपकी परीक्षाएं हो, परीक्षा फार्म भरवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, इसलिए जल्द से जल्द परीक्षा फार्म भरवाए जाने का कार्य शुरू होना चाहिए। यदि आपको प्रमोट भी किया जाता है तो प्रमोट इसी आधार पर किया जाएगा कि जिन जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा फार्म भरा है वही वही विद्यार्थी प्रमोट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी विद्यार्थी प्रमोट हो जाएगा, पता क्या चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी है वो किस कक्षा में था, इसलिए है वो विद्यार्थियों के परीक्षा फार्म भरवाने ज़रूरी हैं। और परीक्षा होती है तब तो दोस्तों परीक्षा फार्म भरवाने ज़रूरी होते हैं, आप जानते हैं हर बार भरे जाते हैं, तो इसका और दोस्तों प्रमोट करने का या परीक्षा लेने का और परीक्षा फार्म भरवाने का कोई लिंक नहीं है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे, ये 10 जून के आसपास दोस्तों कमेटी द्वारा कोई भी डिसीजन आता है उसी से मालूम पड़ पाएगा। कोई भी दोस्तों अपडेट आती है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।